आओ बच्चों, अब सीखते हैं हिंदी वर्णमाला। क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी, ड। इससे कोई शब्द नहीं बनता है, लेकिन शब्द के ऊपर इसे बिंदी के रूप में प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए ग और अंग को मिलाकर बनता है गंग, जैसे गंगा या जंगल। च से चम्मच, छ से छतरी, ज से जहाज, झ से झंडा। ई, ये आधा अनुस्वार है। इसे अक्षर के ऊपर चंद्र बिंदु के रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे भ, ई, भंवरा, गांव या पांव। ट से टमाटर, ठ से ठेला, ड से डमरू। ढ से ढोल। ण, इससे कोई शब्द नहीं है, लेकिन कुछ शब्दों के बीच या अक्षर में ये प्रयोग किया जाता है, जैसे कि हमारे जन गण मन में इसको प्रयोग किया गया है। ण से गण, दूसरा शब्द बाण या कह लो धनुष बाण। त से तराजू, थ से थन, द से दवात, ध से धनुष, न से नल, प से पतंग, फ से फल, ब से बकरी, भ से भालू, म से मछली, य से यज्ञ, र से रस्सी, ल से लट्टू, व से वन, श से शलगम, श से षटकोण, स से संदूक, ह से हथौड़ा, श से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल, य से ज्ञानी। और ज्यादा सीखने के लिए और बहुत कुछ जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल कैटरा किड्स।